हेलो राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस ये सुबह का ही टाइम है और मैंने कहा चलो अब कर लेती हूँ मैं अपना ब्लॉग शुरू। अभी सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मौसम ही बहुत, आज सबसे ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है। इतनी तेज़ सर्दी है लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो भल सर्दी है तो बाल तो धोना ही है और पता नहीं कब तक ऐसी सर्दी चलेगी, तो इसीलिए मैंने गर्म पानी किया और बाल भी धो लिए हैं मैंने। लेकिन सर्दी बहुत तेज़ लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा पहले टॉवल से बालों का पानी साफ़ कर लेती हूँ तो थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी। तो इसीलिए सीधा मैं बाथरूम में से निकल के और बाहर आ गई हूँ टॉवल लगाकर अपने बालों में। अभी देखिए मैंने चेहरे पर भी कुछ नहीं लगाया है और सिंदूर वगैरह नहीं भरा था मांग में, तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी देखी कि धूप वगैरह निकली है कि नहीं, लेकिन धूप तो कहीं से कहीं तक कुछ भी निशान नहीं है धूप का तो, और हवा भी इतनी ठंडी चल रही है कि पूछो मत। तो मैंने कहा चलो अब अंदर ही कंघी वगैरह करूँगी, बाहर तो बहुत तेज़ सर्दी लग रही थी मुझे, नहीं तो फिर आपको पता ही है कि मैं यहीं बाहर करती हूँ कंघी वगैरह। तो बस अब मैं जा रही हूँ कमरे में ही, क्या होगा कमरे में हवा नहीं लगेगी, सर्दी तो लगेगी लेकिन हवा नहीं लगेगी और बाल पानी, बालों में से पानी निकल रहा है तो इसलिए और सर्दी लग रही है। तो मैंने कहा पहले करूँगी कंघी और क्लेचर लगाऊँगी, इसके बाद देखूँगी और सारे काम। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ और मैंने चेहरे पे लगा लिया है क्रीम वगैरह, इसके बाद कंघी कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए बाल गीले हैं ना, तो इस वजह से लग रही है सर्दी, हवा तो चल ही रही है लेकिन बालों की वजह से और लग रही है। ठंडी में बाल धोना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल, इसीलिए मैंने अपने बाल भी काट लिए थे क्योंकि बहुत बड़े बाल होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और भी काटती लेकिन फिर मैंने कहा चलो रहने दो, संभालना भी ज़रूरी है बालों को भी। तो ये देखिए बाल झड़ भी रहे हैं मेरे, इसीलिए और गुस्सा आती है कि झड़े भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झड़ भी रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे बाल अपने सुलझा लिए हैं फ्रेंड्स, और अब लगा ले रही हूँ मैं सिंदूर। अभी तो मैं पूरे में नहीं भरूँगी, बस थोड़ा सा आगे ही लगा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ भी नहीं चल रहे हैं बिल्कुल भी, और थोड़ी सी लगाऊंगी मैं लिपस्टिक। और बस यहाँ पर लगा लिया है मैंने क्लेचर, और स्वेटर पहनने की सोच रही थी लेकिन स्वेटर पहनती ना तो बालों में से अभी भी थोड़ा सा पानी निकल रहा है, तो इसीलिए मैंने स्वेटर पहनूंगी ना तो पूरी गीली हो जाएगी और स्वेटर बिल्कुल भी नहीं सूख रही। जो मैं कपड़े धोती हूँ वही तो सुखाना हो रहा है मुश्किल, और आज भी वैसे ही बहुत सारे कपड़े धुले हुए हैं। तो बस यहाँ पर अभी नहाने के पहले बर्तन साफ़ करके गई थी, तो मैंने कहा इनको और स्टैंड में लगा देती हूँ, सारा पानी निकल गया है बर्तनों का भी, सूख गए हैं बर्तन में, तो इसीलिए वो किचन में आते ही सबसे पहले मैंने बर्तन लगाना शुरू कर दिया स्टैंड में, और इसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सर्दी में तो पानी का काम करना ही बहुत, ऐसा लगता है जंग पे जा रहे हैं क्योंकि जैसे ही पानी में हाथ लगाओ ना तो बर्फ़ सा रखा रहता है टंकी का पानी, इतनी ठंडा रहता है कि पूछो मत। तो बस यहाँ पर सारी मैंने डलिया के बर्तन लगा दिए हैं स्टैंड में, और अब करते हैं खाना की तैयारी। तो आज मैं बनाऊँगी आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, और इतनी मीठी मटर आई हुई है, वैसे तो मैं सोच रही थी कि जितनी भी मटर लेकर आए हैं तिवारी जी उनको मैं सेक कर बच्चों को दूंगी फली जो है ना,
लेकिन अभी बच्चे लोग कोई भी घर पर नहीं था, सिर्फ बेटी है, तो मैंने कहा चलो अभी बना ले रही हूँ मैं सब्जी और रात में फली सेक कर बच्चों को दूंगी, क्योंकि अभी तक इतनी मीठी मटर नहीं आ रही थी, लेकिन जो अभी लेकर आए ना तो बहुत मीठी है और टेस्टी भी बहुत है, अच्छी लग रही है खाने में। तो फटाफट से मैं यहाँ पर थोड़ी सी मटर छील लेती हूँ और चार पांच ले लिए हैं मैंने, छोटे छोटे आलू लेकर आए हैं तिवारी जी, तो आलू और आलू भी कट कर लूँगी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा क्या सब्जी बनाऊँ, इसीलिए आलू मटर सब्जी अच्छी लगती है इस टाइम, और मीठी मटर है तो और अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पर मैंने आलू सारे छील लिए थे, तो फटाफट से कट भी कर ले रही हूँ, और आलू बहुत जल्दी पक जाती है क्योंकि ये नए आलू है ना इस वजह से। और बस यहाँ पर ले ली है मैंने प्याज, तो छोटी छोटी प्याज लेकर आए हैं तिवारी जी, तो मैंने कहा काटने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसको मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। और बस इसके बाद मैंने रख दी है कढ़ाई, तो कढ़ाई में डालूंगी तेल, और ये तेल इसमें ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा बड़े डिब्बे में रख देती हूँ मैं, और इसमें उतना ही रखती हूँ यूज करने के हिसाब से। तो बस इसमें से मैंने तेल डाल दिया है, और बस तेल गर्म हो गया था तो जीरा राई और प्याज डाल दी है, प्याज हो गई है तो अब इसमें आलू मटर टमाटर तीनों चीज़ डालकर मसाला डाल दूँगी, और 10 मिनट के लिए ढक दूंगी कि जिससे आलू जल्दी से पक जाए और मटर भी। और बस आलू मटर हो गए हैं तो हरा धनिया डाल दिया, और डाल दिया है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी, रसीली सब्जी बनानी है। और बस यहाँ पर मैंने रोटी सेकना शुरू कर दिया है, और बस तिवारी जी भी आने लग वाले हैं तो उनको दूंगी सबसे पहले खाना, बेटी को भी खाना है तो इसके बाद खाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ आज भूख लग रही है, नाश्ता भी नहीं किया था सुबह, और क्योंकि नहाया नहीं है इसलिए फिर, और आज बनाया भी नहीं था तो रात में भी खाना नहीं खाया क्योंकि भूख ही नहीं लग रही थी, मेरा सिर दर्द हो रहा था रात में, तो इस वजह से खाना भी नहीं खाया, तो आज बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है कि खाना खा लूं, तो फटाफट से उन लोगों को खिलाती हूं। और फिर मैंने भी अपनी थाली लगा ली, तिवारी जी आ गए थे तो वो भी खा गए, बेटी ने भी खा लिया है, और इसके बाद मैंने अपनी थाली लगाकर मैंने कहा मैं भी यहीं बैठकर किचन में खाना खा लेती हूँ, इसके बाद जो भी बाकी का काम है वो बाद में करूँगी, गर्मा गर्म रोटी सब्जी अच्छी लगती है सर्दी में, तो इसीलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखिए मैं किचन में ही खाने लगी, क्योंकि मैंने कहा कमरे में जाऊँगी फिर आऊँगी, इसीलिए फटाफट से खाना खा लेती हूँ, और फिर यहीं पर बर्तन रखे हुए हैं खाना के, वो भी साफ़ करना है और किचन में झाड़ू पोंछा लगाना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों से खाना खाने के बाद मिलती हूँ। और सच में बहुत टेस्टी सब्जी बनी हुई है, क्योंकि मटर बहुत मीठी है इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने खाना खा लिया है, इसके बाद मैं लग गई हूँ फिर से अपने काम में, तो मैंने कहा पहले करूँगी स्टैंड साफ, और यहाँ पर गौरी की रोटी बची हुई है अभी, गौरी की और जिम्मी की, अभी जिम्मी को भी खाना नहीं दिया है बेटी ने, तो अभी जिम्मी की भी रोटी रखी है और गौरी की भी, गौरी आई नहीं है, गौरी आती है दिन में तो फिर मैं दिन में ही देती हूँ सारे काम से फ्री होकर, उसके बाद गौरी और ओम को दे देती हूँ, तो ओम तो आने ही वाला है और गौरी भी आने ही वाली है दोनों। चलो ओम बाहर बाहर देंगे हम, चलो बाहर। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ओम आ गया है और कुछ देर में गौरी भी आएगी, तो यहाँ पर मैंने जो मटर छीले हुए थे वो रखे हैं, रोटी तो मैंने ओम को दे दी है, तो मटर और गोभी रखा हुआ था कटा हुआ, तो मैंने कहा इसको डाल देती हूँ मैं बाहर, तो ये खा लेगा। ये देखिए इतनी अभी भी ठंडी हवा चल रही है कि पूछो मत, और हाँ ठंडी हवा चलती है ना तो सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, हवा नहीं चले तो फिर भी ठंडी तो लगती है लेकिन इतनी तेज ठंड नहीं लगती है। और मैंने इसको बाहर डाल दिया है तो ये खा लेगा, और मैं लगा देती हूँ गेट, नहीं तो फिर से ये अंदर आ जाएगा और परेशान करेगा मुझे, काम नहीं करने देगा, इसीलिए मैंने गेट लगा दिए हैं। और अब मैं चलती हूँ फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ किचन का, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। देखिए किचन बिल्कुल साफ हो गई है, सब काम हो गया है किचन का, और यहाँ पर ले आए हैं तिवारी जी बेसन लड्डू बनाने के लिए, तो कल बनाएंगे, तो अभी सारा काम हो गया है, तो अब हम चलते हैं
और फ्रेंड्स अब हम चलते हैं छत पर, क्योंकि अभी कपड़े रखे हुए हैं एक बाल्टी भरकर, पूरा बाल्टी भरा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं कपड़े डालने नहीं गई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला जब से नहा कर आई हूँ ना। तो आप खुद देख रहे हैं कि सीधा किचन में चली गई, और किचन के बाद अभी फ्री हुई हूँ। तो बस अब आ गई हूँ मैं कपड़े डालने के लिए ऊपर, और आप खुद देख सकते हैं मौसम कितना बेकार हो रहा है अभी भी। और लेकिन ऊपर इसलिए डाल देती हूँ कि हवा की वजह से सूख जाएंगे। और आज देखिए सब लोगों के अभी कपड़े डले भी नहीं है, नहीं तो क्या होता, मैं सुबह कुछ कपड़े बच्चे लोग सुबह डाल जाते हैं धोकर, लेकिन आज किसी ने भी नहीं डाले हुए हैं। सारे कपड़े धोकर मैंने बाल्टी में भरकर रख दिए थे, तो बाल्टी भरी की भरी रखी हुई है। और ये स्वेटर वगैरह भी धो दी है आज मैंने, शाम तक सूखेंगे नहीं तो पानी तो निकल ही जाएगा। फिर क्या करूँगी, पंखा चलाऊँगी और फिर उसमें डालूँगी तो थोड़ा सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े डाल दिए हैं फ्रेंड्स मैंने, और अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पर भी हवा चल रही है, कहीं सर्दी हो गई ना। वैसे भी मेरा दो दिन से सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और सर्दी हो गई ना तो पता नहीं क्या होगा। और जिम्मी को देख लो, जैसे ही हम लोग ऊपर आए ना, जिम्मी को पता चल गया कि ये लोग छत पर गए हैं और आ गई है। ये देखिए फ्रेंड्स ट्रेन निकल रही है, पास में ही है स्टेशन, तो बस दिखती रहती है ट्रेन वगैरह। और मैं बस यही देख रही थी कि देखो इतनी सर्दी में जिम्मी भी ऊपर आ गई है हम लोगों के पीछे पीछे। ये देखिए कितने आराम से बैठी हुई है, हाँ धूप होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो सर्दी में भी आ गई। मैं उससे ही बोल रही थी, मैंने कहा तुम क्यों ऊपर आ गई हो, तुम्हें कैसे पता चल गया कि हम लोग कपड़े डालने ऊपर गए हैं, और आकर आराम से यहाँ पर बैठ गई है। अभी इसको खाना भी नहीं दिया है बेटी ने, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ थी, तो वो अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी और इसका कुछ पता ही नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर करूँगी एंड। राधे।